यहाँ पे एक बार फिर से आगे जाने की कोशिश, आगे जाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है लोगों की तरफ से, लेकिन आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। एक बार फिर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है डल्ली टनल के पास। बैरिकेडिंग को तोड़ करके जो भीड़ है वो आगे आती है, उसके बाद अब ये चूँकि मस्जिद के ठीक सामने में ये जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसके बाद यहाँ पर लोग जो है उस बैरिकेडिंग के पास बैठ गए हैं, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन लोग जो है एक बार फिर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे जो सरकार है, राज्य सरकार से उन्हें कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि न्याय वो जो है अब उन्हें खुद ही न्याय लेना होगा। कई सालों से ये मामला जो है लंबित होता है, शनिवार को उम्मीद जता रहे थे कि शनिवार को फैसला आएगा, वो फैसला नहीं आता है, लेकिन इस बीच देखिए फिर जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का कॉल दिया जाता है। बीते थर्सडे को हमने देखा था कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान भी तस्वीरें ऐसी थी, लेकिन आज की संख्या जो है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, चार्ज भी की है, महिलाओं को भी चोटें आई हैं, बहुत सारी महिलाओं को चोटें आई है। और जिस प्रकार सुक्खू सरकार ने, एसपी गांधी ने और डीसी ने लाठीचार्ज के आदेश दिलवाए हैं, इसके नतीजे इनको भुगतने पड़ेंगे। शांतिप्रिय आंदोलन पर, निहत्थे लोगों पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, इसके सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जनता, पूरे हिमाचल की जनता सड़कों पर आएगी, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष, पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। देखिए, ये आम जनता का आंदोलन है और आम जनता इसे लेकर के पूरी तरह से यहाँ पे अड़ी हुई है, अपनी मांगों को लेकर के बैठी हुई है, लेकिन इस बीच देखिए यहाँ पे मौसम जो है वो भी खराब हो गया है, बारिश आ रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि आज वो जब तक इस पूरे मांगों को लेकर के फैसला नहीं होगा वो यहाँ पे बैठेंगे, चाहे वो भीड़ पड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो वो यहीं पर बैठेंगे और लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। इस भारी क्राउड को दिखाइए, ये देवभूमि के लोग हैं जो कह रहे हैं कि आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। ये देवभूमि के लोग हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो जो दूसरे एक विशेष समुदाय के लोग हैं, उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिलता है, डेमोग्राफी बदल जाती है। इसके बाद जो मस्जिद को लेकर के ये मामला गरमाया हुआ है, लोगों का यही कहना है कि ना एनओसी होती है ना कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से जो है ना नक्शा पास होता है, लेकिन जो ढांचा है अवैध तरीके से बन जाता है, उसी को लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आज न्याय की मांग को लेकर के पहुँच रहे हैं। इनका कहना है कि कोर्ट पर फिलहाल इन्हें भरोसा नहीं है, इस सरकार में जो सुक्खू की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर इन्हें भरोसा नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ पे मस्जिद को ढाया नहीं जाएगा, ये हिंदू संगठन देखिए कह रहे हैं, तब तक वो यहाँ बैठेंगे, विरोध करेंगे और पुलिस जितना भी बल प्रयोग कर ले वो उन्हें रोक नहीं सकती है। देखिए सारे लोग जो है ये बैठ गए हैं। विजय इरफान को कहूँगी, इरफान एक बार इस तस्वीर को दिखाइए, ये तस्वीर बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देवभूमि के लोग आज अपनी अस्तित्व की लड़ाई को लेके, अपने अडीग देखिए अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं, अपनी अस्तित्व की लड़ाई अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, इसके साथ ही देखिए स्थानीय लोग भी हैं और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, दूर दराज से, सिर्फ ये शिमला के लोग नहीं हैं बल्कि हिमाचल के अलग अलग जिलों से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आगे पुलिस भारी संख्या में देखिए पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इस इलाके में बात करें तो लगातार एसपी यहाँ का मुआयना कर रहे हैं, आईजी है, डीजी है, लेकिन यहाँ पे देखिए कमांडो की टीम पहुँची हुई है, लेकिन देखिए यहाँ पे लोग अपनी मांगों को लेकर के अडीग है। उनका यही कहना है कि पुलिस की तरफ से देखिए पहले एसपी से बात करें तो एसपी ने कहा था कि इस तरह से वाटर कैनन लेकर के आते हैं और बल का प्रयोग करते हैं, तो पुलिस की तरफ से काफ़ी तैयारियां होती है, लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रशासन जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगी, हमारी मांगों को नहीं सुनेगी, वो यहाँ पे बैठे रहिए। इसके ठीक आगे देखिए ये मस्जिद है, ठीक ये बैरिकेडिंग से आगे हम जाएंगे तो एक गली है, उस गली से आप नीचे उतरेंगे, 10 कदम नीचे आप उतरेंगे, मात्र 100 मीटर का वो डिस्टेंस होगा जहाँ पे ये मस्जिद स्थित है, बस यहाँ से कुछ ही दूरी का ये फासला है, कुछ मीटर का ये फासला है, और लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उसे ढाया जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से अवैध तरीके से बना है, नक्शा पास नहीं होता है, एनओसी नहीं होती है, इसी को लेकर मांग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, भारत माता की नारे
लगा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि वो उन्हें न्याय देगी, इसलिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं खुद ही न्याय लेने के लिए। एक बार फिर से इस क्राउड को दिखाइए, इस क्राउड को दिखाइए एक बार फिर से कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पे पहुँचा हुआ है, आक्रोशित है, लोगों में रोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं। मांग उनकी साफ तौर पर यही है कि आज ही जो बात है, जो फैसला है, वो आज ही हो जाए। उनका ये कहना है कि हम 5 अक्टूबर का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि इनका यही कहना है कि कोर्ट जो है वो तारीख पर तारीख देगी, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो मामला है वो अभी से नहीं है, वो कई सालों से इसे लेकर के सुनते उठा रहे हैं। पहले जो है यहाँ की प्रशासन सुनवाई नहीं करती थी, जब विरोध प्रदर्शन से पहले देखने को मिला तो प्रशासन ने इस मामले पर देखिए कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई। जब नगर निगम कोर्ट में इसे लेकर के सुनवाई होती है तो नगर निगम कोर्ट में देखिए उम्मीद ये लगाई जा रही थी हिंदू संगठन का ये कहना था कि शनिवार तक फैसला आ जाना चाहिए, वो तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन शनिवार को नगर निगम कोर्ट की तरफ से तारीख जो है वो 5 अक्टूबर की मुकम्मल कर दी जाती है कि अगली सुनवाई जो है वो 5 अक्टूबर को होगी। इसे लेकर के और ज़्यादा जो गुस्सा है, आक्रोश है हिंदू संगठन का, वो बढ़ जाता है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अभी सुक्खू की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, उनसे इन्हें उम्मीद नहीं है कि वो इसमें लेकर के उन्हें न्याय देंगे, इसीलिए वो यहाँ पे पहुँचे हैं, खुद ही न्याय की मांग करते हुए पहुँचे हुए हैं काफ़ी उम्मीद के साथ। ये देवभूमि के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। संख्या की बात करें तो भारी संख्या में लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें डिटेन कर दिया गया, क्योंकि अगर हम संजौली बाज़ार के एक बार हम अगर पूरा कोमल को सुन रहे हैं आप, लगातार वहाँ से लाइव रिपोर्ट हम तक पहुँचा रही है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, 6 तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से वहाँ पे जमकर हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, लोग वहाँ पर अवैध निर्माण को ढहाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमेशा शांत रहने वाला हिमाचल आज वहाँ पे उबाल है, हिंदुओं की हुंकार है और अवैध मस्जिद को हटाने पर यहाँ पर लोग अड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों की शिकायत यह है दरअसल कि लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे बल प्रयोग किया और ऐसा बल प्रयोग किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लोगों पर लाठीचार्ज की गई, लोगों को वहाँ से खदेड़ने का प्रयास किया गया, लाठियाँ भाजी गई। तो देखिए बवाल और प्रदर्शन है, ये लाइव एक्शन है शिमला से, वो शिमला जहाँ पे अवैध मस्जिद के 3 फ्लोर को लेकर के यहाँ पे लगातार हंगामा हो रहा है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से वहाँ पे जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं उसे खास बात की हमारे सहयोगी कोमल ने, सुनाते हैं आपको। इस टाइम तो हिंदू खड़े काय को मार रहे हैं ये लोग, क्या मतलब बनता है इनका, कि ये थोड़ी है कि पुलिस वाले डंडे किसी पे भी उठा दे। अभी हमारे बच्चे आने हमारे अभी स्कूल से, मैं बेटी को लेने आई थी, कहीं बेटी को चोट लग जाए, बच्चों को चोट लग जाए, बेटा गया अभी कंप्यूटर सेंटर, कहीं बेटे को चोट लग जाए, क्या गवर्नमेंट जिम्मेवारी लेगी बच्चों की, क्या गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट क्या सोई है, इस टाइम गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है कि धरना। देखिए ये वही महिला है जिनको देखिए चोट आई है, पुलिस जब लाठीचार्ज कर रही थी तो ये महिला है जिनको चोट आई है, जा रही थी। हाँ मैं चोट दिखाऊंगी अपनी, जो जेंट्स को चोट मारी और जेंट्स के ऊपर से मैंने छलांग मारी। आप एक बार अपनी चोट को दिखाइए, कहाँ पे, यहाँ पे चोट है, इधर देखो मैम। हाँ ये महिला है, हाँ चोट आई है। जय श्री राम के नारों के साथ देवभूमि गूंज रहा है, अपनी अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के देवभूमि के लोग जो है स्थानीय वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से न्याय जो है उन्हें ये मामले में जो तारीख पर तारीख दी जा रही है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस मामले को लेकर के वो कह रहे हैं कि फैसला सुनाया जाए, हालांकि उनका तो यही कहना है कि अब जो है क्योंकि बहुत सालों से ये मामला जो है वो पेंडिंग है, पहली बार